हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आए हैं भटिंडा की फोर्ट में, भटिंडा की फोर्ट में स्वागत है एक और बार मेरे चैनल पे। वैसे यार मेरे चैनल देखते कौन, सब गंदे हो। सो एनीवेज, हम लोग आए हैं अपनी आंटी यानी मेरे नेबर के साथ। मेरी आंटी, मेरे अंकल, उनके बच्चे और मेरी मम्मी और हम दोनों मतलब आपकी प्यारी चहेती, अरे यार कुछ ज्यादा ही फ्लो नहीं गया, छोड़ो, प्यारी चहेती मनस्वी और उसकी बहन भावन्या यानी हम दोनों। तो गाइस, आप जैसा कि देख सकते हो, इसकी जो वॉल्स है वो इतनी बड़ी है कि आप उसे मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने कि ये इतनी बड़ी है। ये है उनकी फोटोज जिन हम सब आए हैं और अंकल को हमने फोटोग्राफर बना दिया, वो फोटो खींचने लगे। तो अब मैं आपको इसको एक्सप्लोर करवाने जा रही हूँ। आपको पता है ये जितना भी ये पूरा बड़ा सा फोर्ट है ना, इसके आधे से ज्यादा जो रूम्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं। अब आप सोचोगे भाई क्लोज क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। अब हम इसका आपको रीजन बताते हैं। इसका एक ये रीजन है कि मतलब हम भी जब वहाँ आए थे, हमें एक आंटी ने बताया कि ये जो रूम्स होते हैं ये सिर्फ कुछ स्पेशल दिनों में खुलते हैं, यानी कि जब यहाँ पे मेला लगता है। हाँ, मैं आपको ये बात बताना जरूर चाहूंगी कि यहाँ पे 5 मई को मेला लग रहा है, आप इसे देखना जरूर जाए जरूर, क्योंकि तब आप अच्छे से विजिट कर पाएंगे। और अभी ये छत है ना, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा भटिंडा दिख रहा है, इनकी छतें इतनी बड़ी है। तो आपको जरूर जाना चाहिए इस मौके को, तो भाई आपने छोड़ना ही नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं, ये जो बड़ा सा हमारा फोर्ट है, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है इसके अंदर, इसीलिए हमने सब सर पे बांधा था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे से देखने में ये कितना बढ़िया लगता है, इतना बड़ा सा, मतलब आपको बहुत मजा आएगा अगर आप घूमने जाओगे यहाँ। यहाँ पे लंगर भी लगता है, तो लंगर भी आप चखने जा सकते हैं यहाँ के, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो हम सब यहीं पे, ठीक है, आए हैं मिलकर। तो फिर मतलब इधर बहुत ज्यादा ही मजा आता है, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप प्लीज इस मेले में जरूर आए और विजिट करें अगर आपको हिस्ट्री जाननी है। मिलते हैं हमारे पार्ट 2।